हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एंड नॉलेज स्टडी। मेरा नाम है राहुल नोदिया और आज मैं आपको बताने वाला हूँ सिविल इंजीनियर में पार्ट फोर एनवायरमेंट इंजीनियर का। ओके, सो इसके मैं थ्री पार्ट्स ऑलरेडी ला चुका हूँ, सो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, देन आप उसे ईजिली देख सकते हैं। ओके, एंड मैंने अभी कुछ आवर पहले मैंने इसका पार्ट बनाया था, पार्ट फोर, बट उसमें वॉइस की प्रॉब्लम थी। सो वॉइस बिकॉज मैं आपको काफ़ी ईजिली मैंने इसमें डिटेल में बताया था, समझाया था, सो इसमें वॉइस की प्रॉब्लम थी, सो इसलिए मैं अगेन इसका पार्ट सेम बना रहा हूँ। ठीक है, सो आपके लिए हेल्प रहेगा, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल प्रेस भी करना ना भूलें और लेटेस्ट वीडियो के लिए, एंड कमेंट्स शेयर लाइक भी कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन गिवन दिया है, द IS कोड यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड कोड होता है जो कि लेस डाउन ए लिमिट ऑफ वाटर कंजप्शन बिटवीन, यानी कि IS कोड पानी खपत के बीच की सीमा निर्धारित करता है, यानी कि IS कोड में ही लिमिट रहता है वाटर का, कि जो वाटर सप्लाई का लिमिट रहता है, जैसे कि इंडस्ट्रियल वाटर में कितना सप्लाई होना चाहिए पर हेड पर डे वाला, एंड डोमेस्टिक के लिए कितना होना चाहिए, तो सारा IS कोड में गिवन दिया है। तो इसका ईजिली है जो वाटर कंजप्शन बिटवीन लिमिट कितना रहता है, वो रहता है 135 टू 225 लीटर LPCD, का मतलब है लीटर पर कैपिटा डे, यानी कि ये भी हो सकता है कि लीटर पर हेड पर डे। ओके, देख सकते हैं आप डोमेस्टिक के लिए रहता है 135 LPC टू 225 LPC, एंड इंडस्ट्रियल के लिए रहता है 50 to 450 LPC। तो ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है, इंडियन स्टाइल इंडस्ट्रियल पर्पज में पूछा गया, तो ये आंसर रहेगा। ओके, सो इतना ही इनफ है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड गिव्स द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ ए कम्युनिटी विद लिमिटेड लैंड एरिया फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन, मींस जो पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है उसका जो कर्व है, दैट्स वो कैसे बनता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कर्व उसका कैसे बनता है, तो ऑब्वियसली उसका कर्व आपके इसमें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड दिया है, किस मेथड के जरिए ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन फाइंड किया जा सकता है, तो आप बता सकते हैं इसका आंसर। यू हैव ओनली 4 मिनट्स, प्लीज टेल अस एंड देन आई विल गिव आंसर। 1, 2, 3, 4, देन आई विल गिव आंसर। दैट्स आंसर इज डी, लॉजिस्टिक मेथड, एंड जो कर्व बनता है वो लॉजिस्टिक कर्व भी बनता है। देखो मैं बताता हूँ डिटेल में, द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, इट्स रिप्रेजेंट करता है बाय लॉजिस्टिक कर्व या लॉजिस्टिक कर्व, दैट इज कर्व सीम लाइक एस शेप, उसको एस शेप भी बोल सकते हैं। देखो ये यानी कि एस शेप भी बोल सकते हैं, तो याद रखना। एक और क्वेश्चन ये बन सकता है कि कुछ अभी सपोज ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार आ चुका है और आ भी सकता है, बट अब जो न्यू क्वेश्चन बन सकता है वो एज सेप लॉजिस्टिक मेथड की जगह या लॉजिस्टिक कर्व की जगह एज सेप भी रखेंगे, तो एज सेप आंसर भी आपका आ सकता है। ठीक है, ऑप्शन में आ सकता है आंसर, एज सेप भी देख सकते हैं। ओके, देख सकते हैं, ये पॉपुलेशन ग्रोथ है, एंड दैट्स देखो 10,000, 20,000, 30,000 पर डे पर हेड। ओके, ये अपना ये ग्रोथ रहेगा, वो तो एक्चुअली पर डे पर हेड, तो सॉरी उसमें क्या कहते हैं लिमिटेड था, बट इसमें एक्चुअली में इसका ग्रोथ रहेगा, ये एज सेप्ड या लॉजिस्टिक कर्व। ओके, मेथड भी कह सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एज कम्पेयर टू द जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड ऑफ द फॉरकास्टिंग पॉपुलेशन, द अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड इज, यानी कि जो जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड है इसके कंपेयर में अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड क्या हो जाता है, यानी कि कम होता है या ज़्यादा होता है या इक्वल रहता है, तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं इसका। यू हैव ओनली 4 सेकंड, 1, 2, 3 एंड 4। नाउ आंसर इज लेसर वैल्यू, यानी इसकी कम वैल्यू रहती है, हिंदी में भी देख सकते हैं, पूर्वानुमान जनसंख्या की जो ज्यामितीय वृद्धि विधि की तुलना में अंकगणित वृद्धि विधि देता है, तो वो है लेसर वैल्यू, कम वैल्यू देता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि बट इसके लिए इसका आंसर आप डिस्क्रिप्शन में यानी कमेंट्स में आप इसका आंसर बताओगे, नहीं बताओगे तो देन आई विल गिव आंसर। ओके, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट जनरली डिजाइन फॉर, जो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट होता है वो जनरली कितने साल के लिए डिजाइन बनाते हैं। ओके, यानी कि आमतौर पर जल आपूर्ति परियोजना के लिए डिजाइन किए जाते हैं, तो कितने, 50 साल या 30 साल या 20 साल या 10 साल, तो आप इसे कमेंट्स में आंसर इसका गिवन दोगे। ओके, आंसर दोगे। देन इफ द pH वैल्यू ऑफ द वाटर, दैट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें 3-4 क्वेश्चन ईजिली बन सकता है, जो pH वैल्यू ऑफ द वाटर की वो क्या रहती है,
तो आंसर इज ए या बी या सी या डी, ऑब्वियसली आंसर इज डी, बिकॉज ऑल ऑफ एबव आपको पता नहीं है फिर भी आप ऑल ऑफ एबव ही लगाओगे, बट ये करेक्ट आंसर है। मैक्सिमम याद रखना, कभी भी एग्जाम में आए तो आप ऑल ऑफ एबव ही लगाना, बट कंफर्म नहीं, कंफर्म पता हो देन फिर आप ए या बी या सी भी ला सकते हैं, कंफर्म नहीं पता हो देन आप डी आंसर इजीली ला सकते हैं। तो आंसर इज डी, याद रखना। सेवन वाट इज सेट टू बी न्यूट्रल, यानी कि सेवन है पी एच वैल्यू की वाटर की, देन उसको न्यूट्रल बोल सकते हैं, और जो कम होती है सात से उसे एसिडिक बोलते हैं, ज़्यादा होती है वो एल्कलाइन बोलते हैं। अब ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब आप कमेंट्स में ये भी बताओगे कि जो सीवेज है, फ्रेश सीवेज कह सकते हैं, फ्रेश सीवेज में आपको पता है कलर कैसा रहता है उसका, नॉट अ ग्रे, डार्क कलर रहता है, बहुत सेप्टिक रहता है, यानी काफ़ी गंदा रहता है, ठीक है। फ्रेश सीवेज ब्राइट टाइप में इसका फ्रेश सीवेज दिखता है कलर उसका, ठीक है। एंड आपको ये बताना है कि इसमें जो एल्कलिनिटी है वो फ्रेश सीवेज या सेप्टिक सीवेज है, तो वो एल्कलिनिटी मोर देन रहता है या लेस देन सेवन रहता है एसिडिटी, तो ये आपको बताना कमेंट्स में, आप इजीली इसको बताओगे आप, एंड देन फिर मैं आपको बताऊंगा, ओके। सो नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन है, द मैक्सिमम परमिसिबल नाइट्राइट इन पब्लिक वाटर सप्लाई, जो परमिसिबल मैक्सिमम परमिसिबल जो नाइट्राइट है पब्लिक वाटर सप्लाई के लिए में, तो वो कितना ppm रहता है। तो याद रखना नाइट्राइट के लिए हमेशा निल रहता है जीरो, देखो ये काफ़ी डेंजरस रहती है नाइट्राइट, देखो नाइट्राइट के लिए निल रहता है, बट नाइट्रेट के लिए कितना रहता है 45 ppm। आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा डिस्क्रिप्शन मैं डिटेल में बताता हूँ कि द पार्शली ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द नाइट्राइट, यानी कि जो पार्शली ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर कह सकते हैं, इसमें पार्टिकल रहते हैं एंड कुछ भी, यानी कि जो स्लज सीवेज में से जो डिस्पोज रहता है, स्लज वगैरह रहता है, वो सारा ऑर्गेनिक मैटर रहता है, ठीक है, जो नाइट्रेट के फॉर्म में रहता है, तो वो बहुत ही डेंजरस रहता है। इट्स वेरी डेंजरस फॉर वुमेन हेल्थ, इट शुड बी नील फॉर पोर्टेबल वाटर, यानी कि जो पीने वाला पानी होता है उसके लिए जीरो रहता है, नील कोई भी नहीं रहता, ठीक है। तो आंसर इज नाइट इसका जीरो नील था, देख मैं एक और बता देता हूँ आपको, इसका नील आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ ए सेडिमेंटेशन टैंक, याद रखना सेडिमेंटेशन टैंक का जो मैक्सिमम डेप्थ है वो कितना रहेगा। आप फाइव आंसर भी ला सकते हैं और थ्री भी, बट मैं आपको सही ऑप्शन दूंगा तो आंसर इज थ्री ही लगाना, अगर फाइव और थ्री आएंगे, ठीक है, बिकॉज इसका जो मैक्सिमम डेप्थ है वो 2.5 से 5 मीटर तक रहता है, बट बेसिकली हमेशा 3 मीटर ही इसका मेजर करते हैं। और डिटेंशन पीरियड कितना रहता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बनते हैं इसमें, कि डिटेंशन पीरियड ऑफ प्लेन सेडिमेंटेशन का कितना रहता है 3 to 4 आवर, और कोएगुलेट सेडिमेंटेशन का रहता है 2 to 2.5 आवर। डिटेंशन पीरियड होता क्या है, यानी कि जो सुधार योजना, यानी कि उसको अपन क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, सुधार को साफ करते हैं, सही क्लीन करते हैं, जैसे वो 3 to 4 आवर लगते हैं, उसके लिए लगते हैं 2 to 2.5 आवर, ठीक है। तो इसका आंसर आप थ्री आंसर है बेसिकली। द गैस विच मे कॉज एक्सप्लोजन इन सीवेज, यानी कि जो हिंदी बताता हूँ, जो गैस जो सीवरों में विस्फोट का कारण हो सकती है वह कौन सी गैस होती है। तो याद रखना इसमें बेसिकली ये सारी गैस सीवेज में आपका अवेलेबल रहेंगी, यानी मिलेगी उस सीवेज में, बट जो 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 रीज़न बनाता है यानी विस्फोट के लिए, वो मीथेन आंसर है इसका, मीथेन, ठीक है, मीथेन गैस है। और जो टॉक्सिक बता रहा हूँ, सीवेज गैस इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ, सीवेज जो गैस होती है वो किसके मिक्सर रहती है, वो फर्स्ट टॉक्सिक गैस और नॉन टॉक्सिक गैस। टॉक्सिक गैस क्या होती है, एक बहुत डेंजरस गैस होती है, ठीक है, वो बहुत हार्मफुल रहती है, एंड नॉन टॉक्सिक गैस इज अ नॉट फ्लेमेबल एक, और जो टॉक्सिक गैस होती है वो फ्लेमेबल रहती है। फ्लेमेबल क्या होता है, फ्लेमेबल गैस मीन जलनशील, जो जलने वाली सील चेहरे पे या जलने वाली सील रहती, फील करता है, ऐसे वो टॉक्सिक गैस रहती है। नॉन टॉक्सिक गैस देखो पढ़ता हूँ, नॉन टॉक्सिक गैस प्रोड्यूस्ड एंड कलेक्टेड इन अ सीवेज सिस्टम बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक हाउस होल्ड और द इंडस्ट्रियल, यानी कि जो ये गैस बनती है वो इंडस्ट्रियल से स्लज वगैरह साथ डायरेक्ट सीवेज में जाता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट से जाता है, वो यहाँ मिक्स होता है, उसके बाद ये गैस प्रोड्यूस होता है, डेवलप होता है, ओके। टाइपिकल कंपोनेंट ऑफ द सीवेज, सीवेज गैसेज में भी इंक्लूड, देखो जो सीवेज में गैस रहती है वो कौन सी रहती है, जे भी याद रखना, हाइड्रोजन रहती है, हाइड्रोजन सल्फाइड रहता है, अमोनिया रहता है, मीथेन, ईस्टर, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड, सारी गैस रहती हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, बी मीथेन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, पूछा सकता है कि रिमूवल ऑफ द ऑयल एंड ग्रीस फ्रॉम द सीवेज इज नोन एज, जो ऑयल और ग्रीस रिमूव करता है सीवेज से,
उसे क्या बोलते हैं? तो सिंपल है वो आपके लिए, आप बताओगे इसका आंसर क्या है? तो देन हमें इसका आंसर है बी, स्किमिंग टैंक। क्या होता है स्किमिंग टैंक? दैट्स अ मैक्सिमम, ये फॉरेन में ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है, इंडिया में माइनर किया था बट फॉरेन में भी यूज़र काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो आंसर इज बी, देख सकते हैं थोड़ा डिटेल में। द स्किमिंग टैंक इज अ चैम्बर्स ऑफ अरेंज दैट द फ्लोटिंग मेटल लाइक द ऑयल एंड ग्रीस, ओके, ये फ्लोटिंग मेटल रिमूव करता है, दैट्स ऑयल और एग्जाम्पल फैट ग्रीस। तो एस्बेस्टस सीमेंट पाइप्स आर जनरली लिए, जो जो आप लोग सीमेंट पाइप आमतौर पर रखे जाते हैं, या आपने जो एस्बेस्टस सीमेंट पाइप है वो मैक्सिमम वो जनरली यूज़ किए जाते हैं, वो वर्टिकल ही किए जाते हैं। कैसे करते हैं? वर्टिकल यूज़। और सपोज कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आया कि सर वाई वी यूज़ ओनली इन वर्टिकल पोजिशन, यानी कि हम वर्टिकल पोजिशन यूज़ करेंगे, तो मैं आंसर आपको बताता हूँ कि एस्बेस्टस सीमेंट पाइप है वो आर वीक इन कंप्रेशन, यानी कंप्रेशन में वीक रहता है, सो इसलिए इसे वर्टिकल यूज़ करते हैं। तो आंसर इज, घर में आपको पता हो, घर में भी कभी जो 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 क्या कहते हैं एक्चुअली में जो कनेक्ट की रहता है, जो वाटर कनेक्ट है ऊपर अपवर्ड जाता है पाइप, तो वर्टिकल ही जाता है। ओके, नेक्स्ट है क्लोरीन, दैट्स ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोरीनेशन ऑफ द वाटर इज डन फॉर द रिमूवल ऑफ, जो क्लोरीनेशन है वो वाटर में क्या रिमूव करता है? तो सिंपल है, क्लोरीनेशन आपको क्या करता है, तो जो याद रखना, जो सपोज किसी किसी सिटी में डैम है, ठीक है, डैम है, डैम से ही वाटर सप्लाई हो रहा है फॉर पोर्टेबल वाटर के लिए, यानी पीने के लिए, ठीक है, यानी कि घरों में, घरों के लिए, तो वो उसमें जो फिल्ट्रेशन, यार डायरेक्ट कभी नहीं सप्लाई करते, इसमें फिल्ट्रेशन भी होता है। तो फिल्ट्रेशन में काफ़ी चीज़ होती है, आपको पता है ट्रीटमेंट होता है, फिल्ट्रेशन नहीं सॉरी ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट काफ़ी होता है, जैसे कोएगुलेशन, फिर सेडिमेंटेशन, फ्लॉक्युलेशन, फिर फिल्ट्रेशन, लास्ट में जो क्लोरीनेशन यूज़ करते हैं वो इम्पोर्टेंट, बिकॉज वो बैक्टीरिया को रिमूव करते हैं। किसको करते हैं? बैक्टीरिया को रिमूव करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए डिटेल में, यार मैं बताता हूँ थोड़ा ये डिटेल में। देखो सपोज ये पानी की टंकी है, यहाँ से ही घरों में सप्लाई होता है, बट कहाँ से होता है? सपोज ये कोई डैम है, इंटेक है, ठीक है, वहाँ से सप्लाई होने के बाद वो फर्स्ट ऑफ कोएगुलेट होता है, फिर फ्लॉगुलेशन होता है, फिर सेडिमेंटेशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है, उसके बाद क्लोरीनेशन या जो भी है अपने यूज़ करते हैं, डिस इन्फेक्शन वगैरह कर सकते हैं, तो वो यूज़ होता है, वो बैक्टीरिया रिमूव करता है। ओके, तो ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। कोएगुलेशन क्या यूज़ क्या रिमूव करता है? ये पार्टिकल रिमूव करता है। फ्लॉगुलेशन आपको पता है, फ्लॉगुलेशन क्या करता है? ये जो पैडल्स वगैरह, जो ये पैडल्स क्या होते हैं, ये प्रोवाइड करता है स्लो मिक्सिंग, मिक्स करता है, ब्रिंग द स्मॉल पार्टिकल, इसको स्मॉल पार्टिकल में चेंज करता है एंड देन रिमूव कर देता है। ओके, सेडिमेंटेशन क्या है? फ्लोटिंग मटेरियल, सस्पेंडेड वाटर, सस्पेंडेड मैटर रिमूव करता है। सस्पेंडेड मैटर क्या होता है? हवा में जो पानी के ऊपर सस्पेंड रहता है, ठीक है, और जो सेटल रहता है वो जमीन में सेटल हो जाता है, तो सस्पेंडेड मेटल ये रिमूव करता है, मैटर नॉट मेटल। एंड देन फिल्ट्रेशन आपको पता है, फिल्ट्रेशन इसमें गैस वगैरह जो पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल वो रिमूव कर देता है, और क्लोरीनेशन लास्ट में होता है, वो बैक्टीरिया रिमूव करता है। तो आंसर इसका इज ईजिली, आंसर इसका ए। नेक्स्ट है द कोएगुलेंट वाइडली यूज फॉर द सीवेज ट्रीटमेंट, याद रखना सीवेज उपचार के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले कोएगुलेंट हैं, तो वो आपके लिए है सीवेज क्लोराइड। कुछ लड़के बोलेंगे, कुछ फ्रेंड स्टूडेंट बोलेंगे कि एलम आंसर होगा सर इसका, एलम, बट एलम होगा तो किसके लिए होगा? वो पोर्टेबल वाटर के लिए होगा, नॉट अ सीवेज ट्रीटमेंट के लिए होगा। वो जो घरों के लिए ट्रीटमेंट होता है और ड्रिंकिंग वाटर के लिए, उसमें एलम यूज़ करते हैं, बट इसमें फेरिक क्लोराइड यूज़ करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट में। ओके, तो आंसर इसका बी। नेक्स्ट है मोस्ट डेंजरस पॉल्यूटेंट इन वेहिकुलर एमिशन, जो गाड़ियाँ चलती हैं, जो कार वगैरह चलती हैं, उसमें जो फ्यूल होता है, उसको जो बर्न होने के बाद जो गैस आती है वो कौन सी होती है? तो वो सी होती है, SO2 या CO2 या O3। तो इसका आंसर आप बताओगे, देने अगला आगे आंसर, तो इसका आंसर इज ए, CO, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखना नोट में, देखो वैन फ्यूल कार्बन फेल टू बर्न कम्प्लीटली, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO इज फॉर्म्ड, कार्बन मोनोऑक्साइड कैन कॉज द हेल्थ प्रॉब्लम, यानी कि जो अपन सांस लेते हैं उसको सांस लेने की दिक्कत आती है, वो इसकी पॉल्यूशन के कारण आती है, ठीक है। प्रिवेंशन द ट्रांसपोर्टिंग ऑफ द ऑक्सीजन थ्रू द बॉडी, तो देखो आप, मैंने डायग्राम भी लिया है, देखो ये जो गैस वगैरह है वो CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द डाइजेस्टर स्लज फ्रॉम द सेप्टिक टैंक इज रिमूव आफ्टर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, तो ये भी क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। इसका जो सेप्टिक टैंक होता है, यानी कि जो सेप्टिक टैंक को जो पचाने वाले कीचड़ को अधिकतम बाद हटा दिया जाता है, यानी कि जो सेप्टिक टैंक होता क्या है मैं बता देता हूँ। सपोज कोई भी आपका घर है कहीं हिली एरिया में, अलग जगह बनाया गया, ठीक है, उसमें कोई भी कनेक्शन नहीं है सीवेज के लिए, तो आप वहाँ एक पिट गद्दा खोदोगे,
सेफ्टी टैंक, बड़ा सा सेफ्टी टैंक बड़ा होता है, उसके लिए किसके लिए यूज़ करते हैं, ये टॉयलेट के लिए यूज़ करते हैं, स्लज के लिए। ओके, तो वो जो वो भर जाता है उसमें जो रिमूव होता है वो कितने साल के लिए कर सकते हैं आप, इजिली 3 ईयर अवधि के बाद हटा दिया जाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिक्विड वेस्ट इज फ्रॉम द किचन बाथरूम एंड द वेस्ट वॉश बेसिन इज नॉट कॉल्ड, या नहीं इज नॉट कॉल्ड, तो ये पॉइंट अच्छा है। जो यानी कि जो रसोई स्नान कच्छों और वॉश बेसिनों के तरल व्यक्ति नहीं किया जाता है, यानी कि जहाँ से जो वेस्ट इज वेस्ट आता है किचन से, बाथरूम से, वॉश बेसिन से, वो उसे क्या नहीं बोलते, तो सीवेज नहीं बोलते यार ना, सीवेज से ओनली क्या आता है पता है आपको, सीवेज से ओनली आता है, सीवेज सीवेज जो आता है फ्रॉम टॉयलेट से, नॉट आ बाथरूम यार ना, बाथरूम ठीक है टॉयलेट से आता है, जो भी स्लज वगैरह होता है वो टॉयलेट से आता है, ना तो बाथरूम, ना लिक्विड वेस्ट, ना स्लज, ठीक है। तो उसका आंसर इज सी रहेगा, किचन बाथरूम और वॉश बेसिन से नहीं आता, बट जो बोला जाता है वो क्या बोला जाता है, सर सीवेज, तो आंसर इसका डी सी आंसर, सीवेज, सीवेज से ओनली, सीवेज क्या है, वो टॉयलेट से आता है ना कि बाथरूम से, तो यही आंसर है। और सलेज क्या होता है, एक बहुत गंदा पानी होता है, मैला पानी होता है, तो वो किचन में से आ सकता है, टॉयलेट से आ सकता है, पर बाथरूम सॉरी बाथरूम से आता है बट टॉयलेट से नहीं। इन सीवेज द गैस जनरली फाउंड, सीवेज में जनरली गैस फाउंड की जाती फाउंड पाई जाती है, तो आप मैंने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन बता चुका हूँ, तो सारी गैस भी उसमें फाउंड पाई उसमें पाई जाती है। ठीक है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, पेट्रोल वेपर और कार्बन मोनोऑक्साइड भी कह सकते हैं। तो डेटेंशन पीरियड ऑफ द प्लेन सेडिमेंटेशन ऊपर भी मैं बता चुका हूँ, तो इसका आंसर आप इजीली बता सकते हैं, जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए मैंने। ठीक है, तो डेटेंशन पीरियड यानी डेटेंशन पीरियड होता क्या है, उसको जो क्लीन करने का जो कार्य है कितना अवधि कितना टाइम रहता है प्लेन सेडिमेंटेशन का, तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं ए, यानी 4 to 8 आवर द रिकमेंडेशन डिटेंशन पीरियड ऑफ द ग्रिड। अब ये इसका देख लीजिए, एक और क्वेश्चन बनता है कि ग्रिड चैम्बर का जो डिटेंशन पीरियड है वो कितना रहता है, तो सबसे कम रहता है यानी कि 1 मिनट से भी कम। नेक्स्ट है, द मोस्ट कॉमनली यूज टू पंप फॉर द लिफ्टिंग वाटर इन वाटर सप्लाई मीन इज, यानी कि जो जल आपूर्ति के साधनों में पानी उठाने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है, तो वो कौन सा पंप होता है, तो मैं आपको बता चुका हूँ, बताया तो ऑलरेडी नहीं है, बट ये है कि जो घरों में यूज़ करते हैं पंप यूज़ करते हैं मोटर वगैरह, वो कौन सा वो यूज़ करते हैं, वो लिफ्टिंग के लिए ही यूज़ करते हैं। ओके, सो वो उसमें जो क्या रहता है, कौन सा पंप रहता है, तो वो सेंट्रीफ्यूगल पंप ही बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो इसका आंसर इज डी, देख सकते हैं आप, सेंट्रीफ्यूगल ये जो यूज़ करते हैं वो घरों में मैक्सिमम घरों में यूज़ किया जाता है, एंड दैट्स आप ये लिफ्टिंग हो रहा है, देखो लिफ्ट। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, फॉर द डिटरमाइनिंग द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ अंडरग्राउंड वाटर द मोस्ट कॉमनली यूज द नॉन एम्पिरिकल फार्मूला। इसका जो जो डिटरमाइन करें किसका फ्लो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ किसका अंडरग्राउंड वाटर का, इसमें कौन सा फार्मूला यूज किया जाता है, तो इसका आंसर आप कमेंट्स में दे सकते हैं, एंड इसके बाद मैं आपको गिव आंसर दूंगा कमेंट्स में। ओके, एंड प्लीज़ आप इसे वीडियो भी अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करना तो भूलें ना, एंड कमेंट्स शेयर एंड लाइक भी कर सकते हैं दोस्तों के साथ। सो नाउ, और इसमें जो मैंने वीडियो ऑलरेडी 3 वीडियो ला चुका हूँ, उसमें मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।